बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन डबल एग का ढाबा स्टाइल। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बोल लिए है और हमने आधा किलो चिकन लिए, तो हम एक अंडा ऐड कर रहे हैं। आप एक किलो आप अपने जो है चिकन के उससे ले सकते हैं। हमने इसमें जो है धनिया, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन मिर्च और हरी मिर्च, ग्रीन कोरिएंडर और हरी मिर्ची का पेस्ट। तो यहाँ पर ये देखिए हमने ऐड कर दिया है 4 चम्मच। फिर उसके बाद जो है अब हम उसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच। अब हम उसमें ऐड कर देंगे मैदा 2 चम्मच। कॉर्नफ्लावर हम बाइंडिंग के लिए ऐड करते हैं। कभी भी हम जो है चिकन की रेसिपी बनाते हैं तो उसमें जो है कॉर्नफ्लावर अक्सर जाता है। फिर उसके बाद अब हम उसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच आधा चम्मच आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। हमने यहाँ पर 1 चम्मच ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद अब हम उसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। फिर उसके बाद अब हम उसमें ऐड कर देंगे ग्रीन फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, मेरे को बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है। इसमें ऐड कर देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। हमने 1.5 चम्मच के करीब ऐड किया है। बिस्मिल्लाह। अब जो है हम इसे अच्छी तरीके से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर गाइज आपको ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पतला हो चुका है, लिक्विड हो चुका है, तो आप इसमें जो है कॉर्नफ्लावर या मैदा ऐड कर सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ये देखिए। तो गाइज अभी जो है हम उसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे, मम्मा डालना भूल गए थे इसलिए अब हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच। तो आप जो है चिकन की कंसिस्टेंसी पे लीजिए, जो है आपका जो इसकी वजह से चिकन रहेगा वो जो है थोड़ा कड़क हो जाएगा, टेस्ट अच्छा आता है ब्रेड क्रम्स डालने से, आपको पता ही क्या आता है। तो फटाफट से इसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे। तो गाइज़ ये देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम अपने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये आधा किलो चिकन है, बहुत ही यमी यमी सा टेस्टी टेस्टी सा बनने वाला है रेसिपी। आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अब हम इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए इसे हाथों की मदद से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये माशाल्लाह, जब मम्मा ऐसी चिकन की रेसिपी बनाते हैं भूंजने वाली ग्रिल करने वाली, तो डिट्टो जो है ढाबे की जैसी बनती है। मतलब चिकन वाली नहीं, हर एक रेसिपी जो है मम्मा की अच्छी लगती है। आपको भी मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर गाइज आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटा मैरिनेट करने के लिए रखिए, या तो फिर अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसको आधे घंटे में भी तल सकते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ ये मैरिनेट होने के बाद। इसे जो है हमें ढक कर रखना है। गाइज अभी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसको आधा घंटा कम से कम रखे थे। अब जो है हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे तेल। तो गाइज ये देखिए अभी जो है हमने तेल गर्म होने रख दिया है, फ्लेम फुल है। तो गाइज ये देखिए हमने थोड़ा सी जो है मसाला डालकर देखा था कि तेल गर्म हो गया है या नहीं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हम सारी बोटियाँ एक एक करके तेल में डाल देंगे। अपने को लगेगा विनेगर, आधा सॉस, ग्रीन चिली।
तो गाइज अभी हम जो है इसको पलटेंगे। एक साइड से हो गया, ये एक साइड से जो है पक चुका है, अब हम नेक्स्ट साइड से पकाएंगे। अच्छी तरीके से हम जो है इसे अच्छी तरीके से पलट पलट कर पका लेंगे। तो गाइस हमने जो है इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, अब जो है हम इसे निकाल लेंगे। इसे जो है हमें पूरा नहीं पकाना है, 90% तक ही पकाना है। तो गाइस अब हम जो है इसे प्लेट में सर्व आउट कर लेंगे एंड जो है नेक्स्ट रो हम लोग डालेंगे। पूरा एक के ऊपर एक हमें नहीं डालना है और पूरा मस्का मसाला हमें पूरा नहीं डालना है, पूरा ही डालना है। तो फटाफट से हम सेकेंड रो भी तल लेंगे। तो गाइस फटाफट से हम सेकेंड रो भी डालकर तल लेंगे। तो गाइस इसमें से माशाल्लाह बहुत ही लजीज सी ढाबा स्टाइल खुशबू आ रही है। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी पहले ढाबा वगैरह या कहीं पर ट्राई की है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइस आप जो है इस तरीके से ग्रिल भी कर सकते हैं। हम वहाँ पर जो है कर रहे हैं ग्रिल, यहाँ पर तल के हमने निकाला एंड फिर हम ग्रिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो फटाफट से जो है सारे चिकनों को अच्छी तरीके से ग्रिल कर लेंगे। बहुत ही यम्मी और टेस्टी फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इससे नॉर्मल भी खा सकते हैं एज अ स्टार्टर, एज अ अब तो अभी इसकी जो हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसे ये और टेस्टी बनेगा। तो चलिए देखते हैं ग्रेवी बनाने का तरीका। तो फटाफट से सारे चिकनों को ग्रिल कर लेना। तो गाइस मेरा जो भाई है उसको जो है ग्रिल करा हुआ चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मामा जो है ग्रिल करते हैं। तो गाइस ये देखिए सारे चिकन जो है ग्रिल हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही यम्मी है, टेस्टी सी खुशबू आ रही है इसमें से, टेम्पटिंग लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गाइस फटाफट से हम लोग ले लेंगे एक कढ़ाई, अब उसमें ऐड कर देंगे बटर। वही कढ़ाई हमने ली है, बटर बहुत ही ज़्यादा भर भर के हमने ऐड करना है, बटर में कंजूसी नहीं करनी है। फिर उसके बाद हम उसमें तेल भी ऐड करेंगे। अभी हमने जो है सॉल्टेड बटर लिया है, दो चम्मच तेल ऐड करेंगे अब उसमें, जो एकदम ऑयली रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी। लेकिन अब गाइस जो है थोड़ा ये तेल हीट हो जाएगा तो अब हम उसमें ऐड कर देंगे काजू। हमने यहाँ पर टुकड़े काजू का यूज किया है, आधी कटोरी है एज यू कैन सी। अब तेल को हीट होने के बाद हम काजू ऐड कर देंगे। तो गाइस हमने जो ग्रीन पेस्ट बनाया था शुरुआत में, हम वो पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास पेस्ट मतलब आप लोगों ने पूरा ऐड कर दिया है उसमें, तो आप जो है लहसुन अदरक चॉप कर कर बारीक और मिर्ची काट के डाल सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी बनता है वैसे भी, जो है लहसुन अदरक मुँह में आता है तो और टेस्टी सा टेस्ट आता है इसमें, लेकिन काजू है तो फटाफट से काजू को हम लाइटली रोस्ट कर लेंगे। ग्रेवी की थिकनेस आपके ऊपर है, आपको जैसा रखना है आप वैसा रखिए। जो है ग्रेवी की थिकनेस निर्भर होती है यानी फ्रेश क्रीम पर। और फटाफट से हम जो है ये ग्रीन वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। फटाफट से हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, हमने वही जार से थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब गाइस हम लोग जो है इसमें ऐड कर देंगे 3 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट। अगर आप लोग जो है इसे रेड रेड बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है सारे मसाले रेड यूज होंगे, जैसे रेड चिली सॉस। तो गाइस अब हम उसमें ऐड कर देंगे विनेगर, एक ढक्कन आधा ढक्कन। अब हम उसमें ऐड कर देंगे आधा ढक्कन सोया सॉस। ये डार्क सोया है ना, ये डार्क सोया सॉस है इसलिए हम इसमें कम ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉर्मल जो सोया सॉस होता है वो है तो आप थोड़ा ज़्यादा डालिए। बेसिकली चिकन की ज़्यादातर रेसिपीज में ये सब सॉसेस यूज़ होते हैं चाइनीज आइटम्स में। अगर आपको और भी चाइनीज रेसिपीज चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
गाइस ये जो मसाले को जो है वैसे अच्छी तरीके से पका लेना है। तो गाइस अब हम उसमें ऐड कर देंगे एक कटोरी फ्रेश क्रीम। आप अपनी इसी पर जो है आपकी सारी ग्रेवी है आपको जितनी डालना उतनी डालिए। फिर इसके बाद अब हम उसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ये ऑप्शनल है। अगर गाइस आपके पास व्हाइट पेपर है तो आप व्हाइट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब हम उसमें ऐड कर देंगे ग्रीन कलर का पाउडर, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है कलर के लिए हम लोगों ने ऐड किया है, बहुत ही अच्छा कलर देगा ये। तो इसकी जो है ग्रेवी ठीक होने तक इसको हमें पकाना है। तो गाइस अब हम उसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार हस्ब जायका आवश्यकता ज़रूरत नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे थोड़ा और पकाएंगे। एंड गाइस ये देखिए ये पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड इट्स रेडी टू ईट आपको। लेकिन इससे पहले हमें जो है इस पर चीज घिसना है, तो फटाफट से चलिए चीज भी घिस लेते हैं। फटाफट से हम लोग इस पर चीज ग्रेट करेंगे। आप इसकी जगह मोज़रेला भी यूज कर सकते हैं। चीज से बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगता है, ऊपर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने जो है इस पे चीज़ ग्रेट कर दी है। अब हम जो है गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड इट्स रेडी टू ईट। अब चलिए फटाफट से इसको सर्व करते हैं। तो गाइस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। इधर बंद कर थोड़ा, कपड़ा नहीं वाला थोड़ी मार्शल। मस्कार।